प्याज की आवक बढ़ने के बावजूद कीमतों में कमी न आने के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाया। देश भर में प्याज कारोबारियों द्वारा प्याज की जमाखोरी करने और कीमतों में कृत्रिम रूप से तेजी लाने की जानकारी मिलने के बाद प्याज कारोबारियों के यहां छापा मारा। आयकर विभाग ने देश भर में 100 से अधिक स्थानों पर छापे किए। आयकर विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, नागपुर, नासिक और मुंबई में प्याज कारोबारियों के यहां छापा मारा। देश भर की मंडियों में प्याज की आपूर्ति बढ़ाने की तमाम कोशिशों के बावजूद इसकी कीमतों में वृद्धि का सिलसिला जारी है। देश की राजधानी दिल्ली स्थित आजादपुर मंडी में सोमवार को प्याज की आवक में वृद्धि होने के बावजूद कीमत घटने के बजाय बढ़ गई। कारोबारियों ने बताया कि आजादपुर मंडी में प्याज के थोक दाम में करीब 5 रुपए प्रति किलो यानी 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि दर्ज की गई। आजादपुर मंडी में शनिवार को जहां प्याज का थोक भाव 35 से 55 रुपए प्रति किलो था, वहीं सोमवार को थोक भाव 40 से 60 रुपए प्रति किलो हो गया। दिल्ली NCR के बाजारों में खुदरा कारोबारी 80 से 100 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज बेच रहे हैं। आजादपुर मंडी के कारोबारी और ऑनियन मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजेंद्र शर्मा ने बताया कि बारिश के कारण महाराष्ट्र समेत सभी प्रमुख प्याज उत्पादक प्रदेशों में नई फसल को काफी नुकसान हुआ, जबकि पुराने प्याज का स्टॉक बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए कीमतों में और वृद्धि होने की संभावना है। पिछले साल 2018-19 में देश में प्याज का उत्पादन केंद्र सरकार ने प्याज के दाम को काबू में रखने के मकसद से पिछले सप्ताह 1,00,000 टन प्याज का आयात करने का फैसला लिया। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने विदेश व्यापार करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी MMTC को 1,00,000 टन प्याज का आयात करने का निर्देश भी दिया। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने शनिवार को ट्वीट के माध्यम से बताया कि सरकार ने 1,00,000 टन प्याज आयात करने का फैसला ले लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 1,00,000 टन प्याज के आयातों का फैसला लिया। MMTC 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच आयातित प्याज देश में वितरण के लिए उपलब्ध कराएगा और NAFED को देश के हर हिस्से में प्याज का वितरण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।